तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं शिखर फोर्ट पे, जो सरीना होटल है शिखर का, इसी यही बेसिकली फोर्ट यही है और इसी के अंदर म्यूजियम है और इसकी विजिटिंग टाइमिंग है 10 AM to 5 AM। अब हम आपको लेके चलेंगे आहिल और अरफा के साथ अंदर, लेट्स गो, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ पे एंट्री डालनी पड़ती है पहले? जी सर, नाम लिखो, आपके बच्चे कौन नहीं करना सर, काफी बड़े आपने कितना फीम हो गया सर, ऑक्यूपेशन ठीक है सर। एक नंबर अच्छा, नेम पर्सन कैप्टन जीशान जी सर, कैप्टन है ना सर? जी हाँ, तो आप अगर आर्मी पे लिख देना सर, पाकिस्तान कंट्री। ठीक है, थैंक यू। टिकट कितना है आर्मी वाले सर? है 200 की टिकट सर, बाकी 500 और 1000 की टिकट। अच्छा, 1000 की है। अभी कितने हो गए? 600 So these are the tickets. अच्छा, आर्मी पर्सनल के लिए जैसे हमें कि हमारे लिए टिकट होगा 200 का, वैसे टिकट कितने का होता है? वैसे 500 और 1000। 500 और 1000, दोनों में फर्क क्या है? 1000 जो है ना सर, वो आवर कंट्री जो फॉरनर्स आते हैं। अच्छा, फॉरनर्स के लिए 1000 है, लोकल पाकिस्तानी के लिए 500 है। ठीक है। सो गाइस, आपने देखा यहाँ पे टिकट पहले ली जाती है, जैसे फॉरनर्स आए हैं, फॉरनर्स भी टिकट ले रहे हैं, बट इनका टिकट 1000 का होगा, यू नो। There is a handicraft shop. Yeah. Tickets ले लेना, tickets. We forgot the tickets. So अभी हम जाएंगे handicraft shop पे सबसे पहले। Assalamualaikum. इस बच्ची क्या है, कोई कैप में क्या है, दिखाइएगा। जी यहाँ की हैंडीक्राफ्ट शॉप है। हाफ अ लुक। इसकी क्या प्राइस है? अच्छा, स्कर्दू आकर और आपने इनका ट्रेडिशन नहीं अपनाया तो फिर कुछ भी नहीं अपनाया। तो अफसा, दिस इज फॉर यू। हाँ, ट्राई करो। आई विल होल्ड। Come on, try this. Okay. And Arfa, this is for you. You like blue? I do you want to wear this? नहीं, लड़की नहीं। अच्छा, लड़कों के लिए क्या आपके पास? Wow, Arfa. Wow. Show, 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 show. पहन के दिखाओ। दिखाओ जरा, मैं आपकी पिक्चर भी लेता हूँ। दिखाओ। मिरर है आपके पास? मिरर यहाँ पे। Arfa, look. There is the mirror. Arfa, mirror ये रहा। Arfa, look. ये वाली रिंग उल्टी आ गया। ब्लैक लेनी है? कौन सी लेनी है? इनके ब्लैक भी है। छोटे नहीं, ब्लैक नहीं है। रिंग चाहिए। वो दिखा रहे हैं। ये नहीं, नहीं, नहीं। सी ग्रीन भी है इनके पास। सी ग्रीन दिखाइएगा जरा पीछे से। आप मेरे और छोटे साइज है? ये सबसे छोटा साइज। ये नहीं सकते ये। मजा नहीं। पख्तून गिलगितिया, बल्तिया, बल्ती बल्ती बॉय, बल्ती बॉय। इसके बाल पीछे ले जाओ ताकि खड़े भी हो जाए। वाओ, सो हैंडसम। अरे पीछे नहीं करनी। अफा, ये कलर भी है इनके पास। वाओ, दिस सो ब्यूटीफुल। ट्राई करो, शीशे में देखो अपने आप को पहन के। एक बार ही दिखा दे इसका फिट का फैब्रिक फिट हुआ है। ये बल्कि अफा आगे आती है, आगे आती है। हां दिखाओ। वाओ, वो रिंग दिखाई आपने? शो मी अफा, मुझे उतार लो। मामा पहनाइएगा इसको। ओ वाह, मुझे ये चाहिए। मम्मा गलत पहना रही हो, गलत पहना रही हो। ऐसी
अच्छा लेते हैं, ये बड़ी छोटी। अच्छा आप शिखर आते हैं तो शिखर में ये भाई होते हैं, भाई क्या नाम है आपका? ये भाई सीन है। आप कभी भी आके यहाँ पे यहाँ की हैंडमेड लोकल चीजें जो यहाँ के लोग वेयर करते हैं तो आप यहाँ पे आके टोटली उनका आउटफिट वेयर कर सकते हैं। दे हैव अ वैरायटी ओवर हियर, दे हैव आर्टिफिशियल। अच्छा इतनी सारी थोड़ी पहनी बाकी साइज मतलब मेरा ना थोड़ी बड़ी है लेकिन डेलिकेट था आपकी। गाइस ये पसंद की है फॉर शो यू द क्रिस्टल मम्मा जा दो अम्मा का। Yes. मुझे ये सीधी किस तरफ है? ये फ्रंट है। अच्छा ये नीचे माथा पट्टी है। ये नहीं उतारो, नहीं उतारो, वो फिर नीचे आ जाता है, टाइट है। ये ऐसे नहीं उतारते, नहीं नहीं पहनी। ये है बच्चों की, ये कलर है, ये बड़ों के हैं। ये देखो नहीं पहन सकती ना, गिर जाएगा, फौरन गिर जाएगा। अंकल देंगे नहीं, अंकल नहीं देंगे ना। ये साइज है ग्रीन पिंक की किस अल्फा। अच्छा ये कैप नहीं ले रहा, नेकलेस है, एक नेकलेस है। कौन सी वाली? बढ़िया, दैट कॉस्ट 1500 रुपीस। कितने हो गए डिस्काउंट? क्या हो गए? कैप भी सर, कैप नहीं है कैप के अंदर। और यहाँ पे हमारे गाइड हैं आतिफ भाई, जो यहाँ पे प्रॉपरली यहीं की रिहायश है और सब कुछ जानते हैं स्पोर्ट के बारे में। और आज ये हमें भी इन चीज़ों से आगाह करेंगे और इन चीज़ों के बारे में मालूम देंगे कि फोर्ट में क्या है, बेसिकली स्पोर्ट में क्या ऐसी खासियत है और ये फोर्ट क्यों कहा जाता है इसको। ओवर टू यू आतिफ। ये सरेना शिखर फोर्ट, इसको हमारे यहाँ के लोकल जबान में फोंग खर कहते हैं, बस्ती लैंग्वेज में फोंग इस बड़े पत्थर को कहते हैं। इसका बेस बड़े पत्थर पर रखा गया और खर फोर्ट को कहते हैं बस्ती लैंग्वेज में। इसकी कंस्ट्रक्शन पत्थर के ऊपर हुआ हुआ, इसलिए इसको फोंग खर कहते हैं। इसको 1634 में अमाचा फैमिली के 20वां लूर राजा हसन खान अमाचा ने बनाया था और इसको बनाने के लिए उन्होंने कश्मीर से भी आर्टिस्ट को इन्वाइट किया था और हमारे यहाँ के लोकल लोगों ने भी उनकी मदद की थी। और वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी तो हमारे यहाँ रॉयल फैमिली ने इसे आखान को डोनेट कर दिया पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नेम पे। फिर आखान वालों ने 1999 में इसकी रिकन्स्ट्रक्शन शुरू की और 204 में कंप्लीट हुई। $1.4 million इसमें स्पेंड किए, इसे एक म्यूज़ियम और लग्जरी होटल में कन्वर्ट की। अभी सरीना इसको मैनेज करते, इसे जाना जाता है सरीना शिखर फोर्ट से। बिल्कुल आज और ये वाला सर, और ये वही पुराना ओरिजिनल डोर है। इस पे ये पुराना ओरिजिनल डोर है सर, ये 400 साल सर, 400 साल। इस पे कुछ कश्मीरी आर्ट्स बुद्धिस्ट आर्ट्स बने और ये अखरोट की बिल्कुल, और ये अखरोट की लकड़ी से बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अखरोट की लकड़ी कभी खराब नहीं होती, महंगा पड़ता है। हम एक फोर्ट विजिट करके आए थे, दरवाजे इतने छोटे छोटे वो कब्रों में। अच्छा कब्रों से और सर ये सिक्योरिटी रूम था राजे के सिपाहियों का और ये वॉच टावर सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते थे और ये वही ओरिजिनल कंडीशन में है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अच्छा यहाँ पे गार्ड्स खड़े होते थे, हीरो कमाल लेके मेन गेट पे नजर रखते थे, आर्चर लेके ऐसे खड़े रहते थे, जो आएगा को मार देंगे। और सर यहाँ पे कुछ रिलीजियस पैटर्न बने हुए सर, सबसे पहला है बुद्धिज्म का लाइक चाइनीज ड्रैगन और दूसरा हिंदुइज्म का अशोका लाइफ साइकिल और तीसरा मुसलमानों का सर दो फाख्ते फ्लावर का सूर्य फाख्ता अमन के निशान है बिल्कुल। और ये इसके अलामत है पीस इन लो मोहब्बत रमन और ये फिर से बुद्धिज्म में आता है और ये फिर से हिंदुइज्म में आता है सूरजमुखी और सबसे आखिर में बना हुआ पिरामिड इजिप्शियन ईरान में से सबसे लास्ट में। ये सारे रिलीजियस पैटर्न है सर। सर बजाय किसे
और सर ये राय साहब का दरबार हुआ करता था, जहाँ पे लोगों को बिठाया जाता था। बिल्कुल, अभी म्यूजियम है और दरबार का दरवाजा इसलिए छोटा रखा गया है जो भी आए राय साहब के पास एहतराम से झुक रहा है। और ये वही ओरिजिनल पार्ट है सर, और दूसरी साइड को इसकी कॉपी करके रेनोवेशन की है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये वाला सर उस जमाने में वन पीस पत्थर को तराश करके बर्तन बनाते थे। अच्छा, इसमें खाना बनाते थे, इसमें पानी स्टोर करते थे। अच्छा, पत्थर से बना हुआ है। बिल्कुल सर, इस तरह बाजा से रोटी बनती होगी। और ये दरबार का किचन है, ये तवा रोटी पकाने यूज करते थे, और ये वाला अखरोट या अखबाने की ऑयल लेने के लिए मग इस्तेमाल होती थी, और स्टोन का बना कप, और ये दोनों लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, सिंगल लाइट के लिए, मल्टीपल लाइट के लिए वाला। और ये ज्वेलरी से सर, ये टोपी के ऊपर आता है और ये सीने पर आता है। इसमें कुछ टूल्स है, ये वा इसमें कुछ टूल्स है, दान साफ करने वाले, कान साफ करने वाले, और ये राउंड शेप में आते रहता था खुशबू के लिए, और ये शोल्डर पे आते हैं, गले में आते हैं, माथे की पट्टी और ये हाथों पे आते हैं, सारे सिल्वर के बने हैं। बिल्कुल, ये मुस्लिम रानी के थे। बिल्कुल सर, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है सर, लैंड रिलेटेड लेटर्स, हमके मोहल्ले का हिस्ट्री लिखा हुआ है, पहले तीन स्पेशल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ये लास्ट वाले रिलीजियस पोएट्री ये बस्ती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू की रस्म खत में। बस्ती की अपनी अलग रस्म खत होती है, उसकी लिखाई संस्कृत की तरह होती है। और ये वाला, ये सीक्रेट लॉकर, ये दीवार के बीच में आते, दीवार के अंदर भी होल होती थी, और इसमें एक चाबी आता था, तीन नोक वाला, उसको इसमें डालते थे, इसको तीन दफा प्रेस करने से फिर ये ओपन होता था। ये लॉकर ही होता था, ये सीक्रेट लॉकर, लॉकर चाबी डाल के यहाँ पे तीन दफा फिर ये ऐसे होता, वैसे करते थे, फिर ये ओपन होता था। ये जैसे हम बेड्स के अंदर पहले लगाते थे, और ये वाला ओपन विंडो से, और ये पिलर जो इस तरह बीच में आता है, सारी बेड को यही होल करता है। और ये वाला बुद्धिज्म का अमूल का निशान है, लोटस फ्लावर, सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ बुद्धिज्म। और ये स्टोरेज बॉक्सेस है, ये ड्राई फ्रूट्स के लिए यूज करते थे। और ये वाला सर्दियों में यूज करते थे कंकड़ी, इसमें बीच में कोयला आता है, उसको हीटअप के लिए यूज करते हैं हाथ को, ये नहीं इसमें चराव ज्यादा है। और ये वाला इससे एक कारपेट बनाते थे, इसमें बकरी या को दीघा जानवरों की बाले इस्तेमाल किए, पहले धागो पर आता, उसके बाद एक कारपेट। और सर ये गुल्ली डंडा हमारे को लोकल की, जिसे आप कुछ कहते हैं, आज ही गुल्ली डंडा देखो, बिल्कुल ये ऐसे पकड़ते थे, इसको ऐसे उछालते, ऐसे मारते थे गुल्ली डंडा। और ये हमारा यहाँ का मशहूर गेम प्लास्टिक, ये स्टिक तो इतना पुराना नहीं है, लेकिन ये गेम बहुत पुराना है, सिर्फ ये बल्दिस्तान में पोलो रॉयल फैमिली गेम है। हर दौर का राजा पोलो खेलता, अपने विलेज की टीम का कैप्टन भी होता है। और हमारे यहाँ पे सर हम फ्री स्टाइल पोलो खेलते हैं, जिसका कोई रूल नहीं होता है, और जो पोलो का लफ उसे ये बस्ती लैंग्वेज का लफ उसे, ठीक बिल्कुल बस्ती लैंग्वेज में, ठीक है बस्ती लैंग्वेज में किसी भी राउंड शेप को हम पोलो बोलते हैं। ये पिलर के साथ और ये स्टोरेज बॉक्सेस है, इसमें गंदुम और आटा स्टोर करते थे। बिल्कुल, ये अभी भी हमारे घरों में यूज होते हैं। अच्छा, बिल्कुल इसमें सेफ रहता है, नहीं लगता, ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है सर, बचा के सर। और सर यहाँ पे आजान दी जाती थी, और सारे रॉयल फैमिली मेंबर्स यहाँ आके, बिल्कुल, और यहाँ आके नमाज पढ़ते थे। रॉयल मॉक्स लोग अभी भी यहाँ नमाज पढ़ते, लोअर मस्जिद यहाँ तक तो ला सकते हैं। बिल्कुल, उसके अंदर नहीं, ये रेनोवेशन की है सर। बिल्कुल, इस तरह की कच्ची होती थी। बिल्कुल।
और ये वाला सारा गेस्ट रूम है सरीना का। आप ये सरीना का गेस्ट रूम है, सरीना इन रूमों को रेंट आउट करते हैं। सही सही। ये पानी के लिए बिल्कुल सर। अभी हम जाएंगे और सर ये बस्ती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस्ती में लिखा हुआ है। रिपीट कैसे करते हैं इसको? इस तरह करते हैं कि इसको प्रोनाउंस इस तरह करते हैं, टी साइलेंट। सुनचे मीन स्मॉल हासिर खान किचन। सुनचे हासिर खान, सुनचे हासिर खान बिल्कुल मीन स्मॉल किचन बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, अब भी अक्सर घरों में इसी तरह। आप लोग घरों में भी ऐसे हैं? ऐसे बोल बने लकड़ी जला के। और ये हमारा लोकल स्टोव नहीं है ना? नहीं, गैस भी है लेकिन सिलेंडर यूज करते हैं। और ये हमारा लोकल स्टोव जिसे हमारे जबान में थप कहते हैं। और यहाँ पे लकड़ियों को सुखाने के रखे खाने भी पक जाता है, अगले टाइम की लकड़ी भी सूख जाती है। इसकी चिमनी स्मोक को बाहर जाने के लिए। और ये ऑयल लैंप, ये बटर रखने के लिए था, ये वुड का बना हुआ। और ये वाला चाय शेकर सर, कश्मीरी चाय को उबाल के इसमें डालते थे, फिर इससे छिलते थे, उसका रंग निकालने के लिए यूज करते थे। और ये वाला कश्मीरी चाय को बनने के बाद इसमें डालते थे, बीच में कोयला आता है, कोयला कश्मीरी चाय को आम कर दी। और ये हमारे फेमस डिश जिसे मार्जन कहते हैं, बीच में बटर को मेल करके डालते और साइड पे बकवीट को आटे में गर्म पानी में गूंथते है, हलवे नुमा से करते, जब हाथ पे नहीं चिपके तो साइड पे रख के डिप करके खाते है। जो हमने खाया था मार्जन, मैंने सुना था कल हम लोग मीट और अजीब से नाम बड़ा शर्म आयो रखे हैं। अभी हम इस तरफ से जाएंगे गार्डन में से। अच्छा, डिश का आपका नाम क्या था? पिला क्या कहते हैं? प्रभु सर। वो कल हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ मेन्यू में भी दिखा प्रभु। बिल्कुल बहुत खूब प्रभु। सर अच्छा, राजा ग्रेवयार्ड वगैरह सब यहीं पे है? जी यहाँ पे है सर। इसको फातिहा पढ़नी है? अभी तो खत्म हो चुका है सर कब्र भी। बिल्कुल। ये पूछ रहा राजा का भूत चलता है यहाँ पे? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं सर, ये अमन परस लोग थे सर, किसी रहने की जगह थी। बिल्कुल ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जो है ये सर 38 जनरेशन तक चला था। अच्छा, मैं जैसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे वो शिगरी कपलू वाला महल था सीरीन फोर्ट, उस पे उन्होंने क्या किया था कि जो राजा था, राजा ने फिर उनका भाई अभी भी वहाँ मौजूद है और वही डिसेंडेंट उनके चल रहे, तो यहाँ डिसेंडेंट खत्म कर दिए थे। यहाँ पे रूल शूल तो कुछ नहीं चलता, लेकिन अब भी राजा है, लेकिन वो एमएनए है, एमएनए बन गया। बिल्कुल। अच्छा, वही एमएनए बना है? बिल्कुल, क्योंकि उधर तो कुछ जगहों पे एमएनए नया है। बिल्कुल सर, ये पुराना है सर। अच्छा, ये बिल्कुल, ये बहुत ही पुराना है। इसमें इसके इख्तियार क्यों नहीं लिए? Thank you.
खत्म हो गया। और सर लास्ट में ये बारादरी, सर बारादरी के तो 12 दरवाजे होते, लेकिन इसके साइडों में 12 पिलर्स है। आफ्टर पोलो मैच या शाम के बाद राजा यहाँ पर रिफ्रेशमेंट करने के लिए बैठता था। और ये बारादरी की हिस्ट्री भी लिखा हुआ है सर। बारादरी इज नॉट रिकंस्ट्रक्शन, बारादरी को पूरा नया बनाया गया, यह ख़त्म हो चुका था। बस इसका ये संगमरमर वही पुराने हैं सर, आगे वाले फेस में वो बैक वाला पुराना नहीं है सर। यहाँ भी एक पिक्चर ले लो सर। आज तो गाइस हमने ट्रिप जो फोर्ट का पूरा टूर है वो कर लिया है, और अब हम वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स सम म्यूजियम। और आयल साहब रास्ते में ग्लेशियर के पानी में गिर गए हैं, इसलिए अब उनके कपड़े चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द फोर्ट इन माय बैकग्राउंड, यू कैन सी।